ऑलरेडी फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस की एक वीडियो देख चुके हैं, जिसमें हमने तीन केसेस पढ़े फॉर इमेज फॉर्मेशन। बाकी तीन केसेस हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज द फोर्थ केस, जिसमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम कहां रखते हैं, बिटवीन 2f1 एंड f1। तो देखिए, हम लेंस बना देते हैं और सारी चीजें मेंशन कर देते हैं। हम अपना ऑब्जेक्ट किसके बीच में रख देते हैं, 2f1 और f1 के बीच में। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी। अब हम ए पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक इंसिडेंट रे ड्रॉ करेंगे। ये इंसिडेंट रे रूल नंबर 1 फॉलो करते हुए जब ये रिफ्रैक्ट होगी तो फोकस से पास हो जाएगी। अब देखिए, दूसरी रे सेम पॉइंट से, यानी पॉइंट ए से हम ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए बनाते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है इसलिए ये डेविएट नहीं होगी। इस पॉइंट पर ये दोनों रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर, और यही हमारी क्या हो जाएगी, इमेज। इसको हम नाम दे देंगे ए डैश बी डैश। अब जो हमें इमेज मिल गई है इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ द इमेज। तो देखिए, आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये इमेज जो है हमारी कहाँ बनी है, बियॉन्ड 2f2। तो इसको हम लिख देते हैं बियॉन्ड 2f2। सेकंड हम जो चीज फाइंड आउट करते हैं वो है साइज ऑफ द इमेज। देखिए, इस रे डायग्राम से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इमेज हमारी ऑब्जेक्ट से बड़ी है, इसका मतलब इमेज का साइज क्या हुआ, एनलार्ज्ड। थर्ड जो पॉइंट हम लिखते हैं वो है नेचर ऑफ द इमेज। इस रे डायग्राम से हमें साफ साफ दिख रहा है कि रेज हमारी एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, इसका मतलब नेचर ऑफ द इमेज क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। आई होप आपको ये वाला केस बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट केस करते हैं, फिफ्थ केस। व्हेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को अब हमने कहां रख दिया, एट f1, यानी फोकस पे हमने अपना ऑब्जेक्ट रख दिया। तो देखिए, ये लेंस बनाया हमने और अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, फोकस पर। इसको नाम दे दिया ऑब्जेक्ट को हमने ए बी। अब देखिए, हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ए पॉइंट से एक रे बनाएंगे। ये रे रूल नंबर 1 फॉलो करती हुई जब रिफ्रैक्ट होगी तो फोकस से पास हो जाएगी। इसी तरीके से अब हम सेकेंड रे बनाते हैं ए पॉइंट से, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है इसलिए विदाउट डेविएशन ये सीधी सीधी मूव कर जाएगी। अब ये रेज आपको दिख रही होंगी पैरेलल दिख रही है, इसका मतलब ये जाकर इन्फिनिटी पे मिलेंगी। तो हमें इमेज कहाँ मिल जाएगी, तो हम लिखते हैं पोजिशन ऑफ द इमेज एट इन्फिनिटी। सेकेंड जो हम फाइंड आउट करते हैं वो है साइज ऑफ द इमेज, वो क्या हो जाएगा। देखिए, इन्फिनिटी पे ये रे जब जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के कंपेयर में देखेंगे तो जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। इसका मतलब जो साइज ऑफ द इमेज की मैं बात करूँ तो वो कैसा हो जाएगा, हाईली एनलार्ज। लास्ट केस आपका होता है नेचर ऑफ द इमेज। इस इमेज को देखकर आपको पता चल रहा होगा कि इन्फिनिटी पे रेज अगर मीट करती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिलती हैं, तो ये कैसी होंगी, रियल एंड इन्वर्टेड। आई होप आपको ये भी केस समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट केस करते हैं, जो है सिक्स्थ केस हमारा। व्हेन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को लास्ट केस में हम कहाँ रख रहे हैं, बिटवीन f1 एंड ओ, यानी कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो देखिए, हमने ये लेंस बनाया और अपने ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा, F1 और O के बीच में। इसको हमने नाम दे दिया ए बी। अब हम ए पॉइंट से पैरेलल रे बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, जो रूल नंबर 1 फॉलो करती हुई फोकस से पास हो जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। दूसरी रे हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देते हैं, जो विदाउट डेविएशन ऐसी मूव करती जाएगी। अब यहाँ देखिए, राइट हैंड साइड पर आपको रेज जो है वो ब्रॉड होती हुई दिख रही है, इसका मतलब ये राइट हैंड साइड तो कहीं मिलेंगी नहीं। लेकिन अगर मैं इन रेज को एक्सटेंड कर दूं लेफ्ट हैंड साइड, तो देखिए क्या होता है। यस, एक्सटेंड करने पर ये दोनों रेज लेफ्ट हैंड साइड पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसी इंटरसेक्शन पॉइंट पर हमें क्या मिल जाएगी, हमारी इमेज। तो हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस पर और इसको नाम दे दिया ए डैश
बी डैश, तो दिस इज योर इमेज। अब ये जो इमेज हमें मिल गई है इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो देखिए पहला केस है पोजीशन ऑफ द इमेज। इस केस में आपको दिख रहा होगा इमेज आपको इन फ्रंट ऑफ द लेंस मिली है, तो पोजीशन तो हमारी इन फ्रंट ऑफ द लेंस हो गई। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको पता होना चाहिए वो ये है कि देखिए ये इमेज इस पर्टिकुलर केस में F1 और 2F1 के बीच में मिल रही है। जरूरी नहीं है ये केस हमेशा हो सकता है आपको F1 पे मिल जाए, हो सकता है 2F1 पे मिल जाए, पर इमेज हमेशा इन फ्रंट ऑफ लेंस ही मिलेगी। चलिए नेक्स्ट केस समझते हैं, साइज ऑफ द इमेज। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज जो है वो बड़ी है, इसका मतलब साइज क्या हो जाएगा, एनलार्ज। अब लास्ट केस होता है हमारा नेचर ऑफ द इमेज। तो इमेज आपको क्या असली में रेज मीट करने की वजह से मिली, नो। तो इसका मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल, और जैसा ऑब्जेक्ट खड़ा है वैसी इमेज खड़ी है, इसका मतलब ये कैसी होगी, इरेक्ट। तो यानी कि नेचर ऑफ द इमेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस तरीके का नेचर है हमारी इमेज का, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई होप आपको सारे केसेस समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।